तब राम उस पुस्तक को उठाया और कहा कि ए हनुमान, इस पुस्तक को जल समाधि दे दो। माँ सीता मैया को रावण ने बंधक बनाया था, ये किसी को ना पता चले। लॉरेंस ऑरेंस का नाम मत लिखा लो भाई। आप मस्जिद को एक रिस्पेक्टफुली तोड़ सकते थे, आपने जिस तरीके से वो हथौड़ा चलाया उस पे, तो वो हथौड़ा हमारी छाती पर। ये अंग्रेज के गुलाम है जो साले सड़ी हुई राजनीति पर चलते। एक हाथ में तुम बोलते हैं मुसलमान का बच्चा कंप्यूटर रखे, एक हाथ में कुरान, तो आज हमारा बच्चा सिर्फ दोनों हाथ में तलवार घेरा सही लेके उतरे। इंडिया के अंदर मुस्लिम लीडरशिप कोई है ही नहीं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की टांग खुद खींच रहा है, तो मेरी मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतारने तुम लश्कर लेके आओगे तो अकेला शहादत लेने खड़ा। मैं डरता सिर्फ मेरे खुदा से हूँ। जब मुझे ये बोला गया कि मेरी दाढ़ी में तिनका, मैं खब्बीस इंसान हूँ, मुसलमान नहीं हूँ, कि रोज डेली एक नवी लड़की के साथ ये सोता है, ये हराम की कमाई खाता है, एक मुफ्ती इंसान को ले आओ और उन सब जो इल्जाम मुझ पे लगा रहे उन सब को खड़ा करो और विद कुरान की ट्रांसलेशन बात करते हो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। दी ब्लैंक पॉडकास्ट को लाइक सब्सक्राइब दोनों करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आज की जो मेरे गेस्ट है वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का बड़े अच्छे से यूज करते हैं। ये अपनी बात को बेबाकी से हमेशा रखते आए हैं, फिर वो बात जो है वो सलमान के लिए हो, बिश्नोई के लिए हो, या मुसलमान के लिए हो, या इंसानियत के लिए हो, इन्होंने अपनी बात को बड़े देसी तरीके से अपने आप को लोगों के सामने पेश किया है और ये जैसे दिखते हैं ये वैसे ही है। सो प्लीज वेलकम बाबा खान उर्फ नदीम खान। नदीम खान साहब आपका खैर मकदम है उर्दू में और आपका वेलकम है इंग्लिश में बी ब्लंट पॉडकास्ट पे। जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, शुक्रिया। सो नदीम भाई मुझे एक बात बताइए, स्टाइल संजय दत्त का, और अगर आग बंद करके सुने तो फिर वो हिंदुस्तानी भाव वाली फीलिंग आती है, तो ये है क्या स्वैग या नेचुरल है? हिंदुस्तानी भाव और मैं, हम दोनों अलग अलग जन्म लिए, अलग अलग धर्म में पैदा हुए, लेकिन है तो इस धरती के पुत्र ना, तो हम एक दिखते तो कोई बड़ी बात नहीं है। और एक्चुअल बाबा खान हिंदुस्तानी भाव का मुकाबला नहीं कर सकते, भाव इज द बेस्ट, ठीक है। और मैं कोई फेमस होने के लिए ये चीज नहीं बोला, मुझे एक ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया, एक नेता को एक स्पीच देनी है तो 500-500 हजार रुपया बांटेंगे ने पब्लिक जमा करेगा, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, अगर आपकी बात सच है और आप एकदम क्लियर कट हो तो आपकी बात हर बच्चा बूढ़ा घर में बैठ के लाख करोड़ तादादों में देखेंगे, और उसमें से अगर दस ने भी अगर अमल कर लिया ना, बेस्ट ऑफ बेस्ट, तो एक नहीं 10 नदीम पैदा होते, 10 से 20, 20 से 30, 1000, लाख, मिलियन, बिलियन, मलियार, यानी कि हिंदुस्तान किधर गया? इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगा था ना, नदीम को लोग नहीं झेल पा रहे, इतने सारे नदीम होंगे तो कैसे बैलेंस? अच्छा ना, चाइना को छीन लेंगे, अब हम चाइना छीन लेंगे, बराबर है कि नहीं? इतने मासूम से चेहरा दिखने वाले बाबा खान और नदीम खान को गुस्सा क्यों आता है? मतलब सडनली आंखें बड़ी हो जाती है एंड एंग्री यंग मैन जैसा, क्या रीजन है इसके पीछे? मैं एक खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आपने जो मासूम वाला चेहरे वाली बात बोला, एक बहुत बड़ा था, एक नाम लेके खुल के बोलूंगा नहीं, ऐसी बात जनरली होने लगी, आपने वो बात दिया, देखो मेरा रिएक्शन हुआ था, और ये यार करके उन्होंने एक जन बोला एकदम मासूम सा चेहरा इसका, तो बता दो कौन था? बताऊंगा तो शायद कयामत आ जाए। गैंगस्टर था? हाँ गैंगस्टर। अच्छा, गैंगस्टर ही था। उस गैंगस्टर ने ये बोला कि इस मासूम चेहरे के पीछे तेरे को मालूम नहीं एक बहुत खतरनाक रावण है। सच सच ये बात बोला। मैं हंस दिया, तो चेहरा धोखा दे सकता है अंदर का मन ने, तो दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लड़ो, ये मेरा कहावत है। मतलब जैसे आप दिखते हो वैसे ही हो। और गुस्सा आने का क्या रीजन है? मतलब आपको गुस्सा दिलाने के लिए कुछ करना पड़ता है या ऑटोमेटिकली आ जाता है? गुस्सा दिलाना, एक्चुअल जो सामने वाले के दिमाग में जितना गुस्सा है ना नदीम, उतना गुस्सा अपने खीसे में रखते हैं, यानी अपने जेब में, बराबर। अगर ये गुस्सा अगर यहाँ पे डालेगा तो सामने वाला नहीं रहेगा,
मेरे को ये जो आप लोग जो मेरे को एंग्री देख रहे हो, मैं एंग्री नहीं हूँ, ये मेरा तरीका है बॉस, ये बात करने का तरीका ही है ये। अगर एंग्री देखोगे ना तो शायद देख भी नहीं पाओगे, बराबर है ना। मैं कोई फेमस होने के लिए नहीं, मैं देखो आप मेरा बाइट ले रहे, ठीक है लोगों तक लेके जाएंगे, लेकिन एक मैं यार ये धरती है, ये इंडिया है, मर्द पैदा करती है ना मर्द नहीं, तो गुस्सा हराम है, इस्लाम में गुस्सा हराम है। मैं गुस्सा नहीं, मैं ऐसे ही हूं, ऐसा दिखता है लोगों को, मैं नहीं गुस्सा करता हूं। ये बोलने का आपको तरीका है, गुस्से में बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ गुस्से, नॉर्मल एकदम नॉर्मल। हम तो यही सोच के आए थे कि पता नहीं वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, तो देखते हैं अभी आने वाले एक घंटे में हम जाते हैं वापस या नहीं जाते। अरे क्यों नहीं जाएंगे, क्या अपन क्या अपने देश का है। तो नदीम भाई मुझे बताइए, धारावी से डोंगरी और डोंगरी से मुमरा तक की आखिर कहानी क्या है? बहुत फास्ट है ना, मैं क्या बोला था, बहुत सीढ़ी गया था, दो बार टेंशन दिया था लेकिन ले लिया। धारावी में मेरे वालिदैन, मेरे माँ बाप, यानी कि एक पीढ़ी हमारी तय कर जा चुकी है, हम पांच भाई बहन, और पांच भाई एक बहन, बहुत अच्छा फैमिली। मैं जितना भी आज जो लोगों को लगा, आज मैं एक संस्था से बिलोंग करता हूँ, पहली बात है नेशनल सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन क्राइम प्रिवेंटिव ब्रिगेड, एक इतनी अच्छी संस्था जिसमें ब्राह्मण समाज, हिंदू समाज, मुसलमान समाज एक संयमता बरतता है, देश की रक्षा के लिए खड़े रहो, रक्षक बनो भक्षक। तो धारावी के अंदर जब मैं पैदा हुआ तो धारावी का दूसरा नाम है अंडरवर्ल्ड। कुछ लड़के वहां से निकल के अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं, कुछ लोगों को उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड के लोगों को वहां पनाह मिला करती। ओके, यस। ये कौन से साल की बात थी? ये लगभग 86, 85, 87 वहां दारू के पोटले बिखर करते थे, एक टैक्सी वाला भी जाने से डरा करता। उस टाइम के हम लोग धारावी के देखे हुए, और हमारे छतों पे जब तक छोटा वाटली या ट्यूबलाइट या हमारे गलियों में किसी को स्टैपिंग नहीं पड़ती थी तो हमारे को लगता था आज कुछ हुआ नहीं धारावी, एक ऐसा है। तो धारावी के अंदर से D17 अक्की मुंबई को खतरा, ऐसा एक कहावत निकल चुका, ऐसा नहीं है, वहां बिजनेसमैन भी थे, पहले भी थे, आज भी है, लेकिन दोस्तियां होती है ना बॉस, तो आप अच्छी जगह रहोगे, अगर आपके दोस्त पे अन्याय हुआ तो आप डोंगरी तक भी पहुंचोगे, आप दुबई तक भी पहुंचोगे, आप वर्ल्ड टूर करोगे। तो मैंने, मेरा आज तक कोई पर्सनल झगड़ा है, आप रिकॉर्ड लगा, मेरा कोई पर्सनल झगड़ा है, मैंने मेरे दोस्तों के लिए ही लड़ाई किया था, मेरे दोस्तों को तकलीफ में देखता था, उनके लिए मेरी जिंदगी का सफर है डोंगरी तक हुआ था। So, उस टाइम पे जैसे आप धारावी से डोंगरी पहुंचे तो आप किस गैंग को फॉलो कर रहे थे? मैं कोई गैंग को फॉलो, हम कोई गैंग को फॉलो वॉलो नहीं करता था। तो D17 और 16 का मतलब दाऊद गैंग ऐसा कुछ नहीं है? अरे भाई D17 धारावी 17 सबको कचरा। अच्छा, धारावी हम हमारे बहुत गैंगस्टर दोस्त है, काय को सबको मालूम, आप रिकॉर्ड देखो, आज बहुत IPS भी दोस्त है, पुलिस वाले भी है, बहुत से पुलिस मित्र भी है, शरीफ भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी गैंग को फॉलो करूंगा। अरे हम किसी गैंग को डरा ही नहीं आज तक, अब रिकॉर्ड में निकालेगा तो इंडिपेंडेंट रियल यही है, इंडिपेंडेंट। क्योंकि जब उस टाइम की हम बात करते हैं 87 टू 1994-95 की, तो उस वक्त दाऊद गैंग और छोटा राजन बहुत हाइप पे थे, मतलब काफी अच्छे थे, तो क्या आप उनके अलावा पैरेलल एक अपना बिजनेस चलाते? एक पिक्चर लिखा ली थी, एक सूट आउट ऑफ कोड़ाला, उस टाइम पे मैं ख्याल से मेरे बहुत होएगा तो मैं 7 साल का, नहीं 10-12 ऐसा, मतलब 15-15 साल, 8 साल का होगा, मैंने सुना ही नहीं। लेकिन माया डोलेस मेरा पुराना दोस्त। अच्छा, मैं सीरियस बोल रहा हूँ, प्रतीक्षा नगर चेंबूरी चेंबूर पुराना दोस्त था, वो सूट आउट लोखंडवाड़ा के बाद ये लोगों को पता चला कि कोई माया डोलेस है, कोई माया डोले से, कोई दिलीप बुआ है, कोई ये, तो हम धारावी के यार, हमको भाई बनता है बताओ मत, हमारे पास सब आते थे, बराबर हमारी दोस्ती सबसे होती थी। ऐसा ये मतलब नहीं है कि हम गैंग में जुड़ गए ना गैंगस्टर बन गया, हमने गैंगस्टरों को गिनती में नहीं लिया,
फिर डोंगरी कैसे पहुंचे दादा? डोंगरी क्या बाजू में था, लोकल पकड़ने का सीधा सीधा हाँ किंग सर्कल से लोकल पकड़ने का, मस्जिद बंदर उतरने का सीधा डोंगरी। तो क्या डोंगरी में सब अंडरवर्ल्ड है क्या? अच्छी अच्छी फैमिली से भाई। आप डोंगरी का नाम आते आप लोग अंडरवर्ल्ड क्यों बोलते हैं यार? देरी है कि यही समझ में आता है। डोंगरी इज फेमस फॉर अरे फेमस है। देखिए डोंगरी में नहीं हर जगह अच्छे लोग होते हैं, डोंगरी में भी है, मोहम्मद अली रोड में भी बहुत प्रोग्रेसिव लोग हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ दाऊद छोटा शकील उस एरिया का नाम करीम लाला नहीं थे, करीम लाला भी थे, यो हाजी मस्तान नहीं थे, बराबर पांडव पुत्र गैंग नहीं थी, बराबर है क्या? गौड़ी गैंग नहीं थी, एक मुंबई डोंगरी का ही नाम खराब क्यों? गौड़ी गैंग उमर नहीं था, उमर खाड़ी से लेके ठमकर मोहल्ला जकरिया वकरिया मीनारा उनारा सब किनारे। अब दाऊद को ही टारगेट क्यों? ऐसा नहीं कि मैं दाऊद का फेवर में, लेकिन टारगेट आज सारे मुस्लिम्स एक जो है, एक हिंदुनिज्म भी अगर एक सोचता है तो मुस्लिम्स दाऊद को खुदा मानता है। नेवर यार, दाऊद को हम खुदा मानते ही नहीं, हमारा खुदा अल्लाह है, हम सिर्फ रब्बुल आलमीन को मानते हैं। दाऊद एक इंसान है, आज जिंदा है कल मर जाएगा, क्या हमारा खुदा हो गया? दाऊद इज बिग गैंगस्टर ऐसा करके अब लोगों ने बताया, वो बिजनेसमैन है और उसपे इंडिया के ऊपर से टेररिज्म के एक्ट लगे हुए, बराबर है। तो एक हम बहुत छोटे, एक दाऊद के सामने हम बहुत छोटे, क्योंकि डोंगरी टू दुबई, दुबई टू साउथ अफ्रीका इटली इधर तक सफर करना हमारे जैसे बस की बात नहीं है भाई, उसके लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क लगता है। तो शायद दाऊद का नेटवर्क होगा ऐसा, क्या लगता है आपको? नहीं है दाऊद अंडरवर्ल्ड डॉन तो है, मेरा मुद्दा ये था। मुझे लगता नहीं वो बिजनेसमैन है या नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड डॉन तो है, वो गैंगस्टर तो थे या है, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा हो सकता है, आप बोल दे, आप मानते हो इस बात को? मेरे को तो नहीं लगता ढाई सौ से भी ज्यादा लोगों की उसमें एक अरेस्टिंग हुई, जिन लोगों ने उसके अंदर सलीम शाह फारूक पावला अब्दुल गनी तुर्की सलीम चावला दाऊद भाई फिर ऐसे बहुत से दाऊद चीचा एक दाऊद चीचा ऐसे बहुत से लोगों लोग मतलब शेखा वेखा शेखा भाई बहुत से ऐसे लोग जिनको बता रहे जिनको 11 फांसी लगी 5 फांसी लगी एक जो लाइफ काटे एक बच्चा तो 13-14 साल का था न्याज एक न्याज लड़का न्याज नाम का बड़ा स्मार्ट ही था कोई जेकी श्रॉफ जैसा दिखता था कोई मुश्ताक भाई था नहीं एक मुस्तू भाई था ऐसे बहुत से लोग जो अपनी जिंदगी में वो ब्लास्ट के अंदर आरोपी बन के आए और उनको लाइफ कन्विंसिंग हुई और फांसी कन्विंसिंग हुआ और जो लोग एक मराठा रत्नागिरी के खेड़ साइड के जो मराठा फैमिली से थे उन्होंने उनको देखा उनको भी उस टाइम पे कन्विंसिंग किया गया 5 years 10 years पीड़े एमडी कुकड़े इसमें कोड़े जस्ता जब ये कोड़े जस्ता उसने उनको सबको कन्विंसिंग किया जो कि सिर्फ उन्होंने देखा था उनको ये भी नहीं मालूम कि ये अग्निशस्त्र लेके आए विस्फोटक पदार्थ लेके आए या बम लाए ठीक है वो कानून का काम था उस टाइम पे बड़े बड़े ऑफिसर्स उसने काम किए उनको क्लूज मिले टाइगर मेमन जैसे तो लोग उसमें इन्वॉल्व मिले बरबर है कहने फिर बाद में कड़ी से कड़ी बनती गई और उनको सजा मिली। तो इस देश के अंदर जो मैं कहता हूं 93 के ब्लास्ट जो हुए वो गलत थे 92 का दंगा वो गलत था बाबरी मस्जिद टूटना गलत था ये हुआ कैसा आप सोचो ना ये क्यों हुआ लाल कृष्ण अडवाणी उमा भारती इन्होंने नारा क्यों लगाया बाबर मस्जिद तोड़ने का राइट बाबरी मस्जिद तोड़े लेकिन बाबर का क्या कहना था कि हिंदुस्तान में 400 साल पहले उसका एक कॉल था कॉल ये था कि हिंदुनिज्म की मंदिर को ना तोड़ा जाए ना हिस्ट्री है ना तोड़ा जाए हिंदुओं को अपने सिरे से लगाया जाए कौन मुगल बाबर लेकिन 400 साल पुरानी मस्जिद पर उसको शहीद किया पर आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के हिसाब से उस जगह पहले मंदिर था ये प्रूव भी हो गया और जो जो क्या उसको आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का जो सर्वे करने वाला वो बंदा भी मुस्लिम था अरे तो हम क्या कह रहे हैं जब आप अपने पास उसको प्रूव हुआ वहां मंदिर लिख ली
वहां पे ऐसे चीज भी बताए गए कि भाई मंदिर की मूर्तियां भी रखी गई लाके, ऐसे कुछ हिंदुओं के इंटरव्यू आप देखो जरा, ओके आप इंटरव्यू देख लो, चेक कर लो, रिसर्च में आएगा कि हम ये टेम्पल गए थे मूर्तियां रखे थे। लेकिन मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि अगर किसी की धार्मिक स्थल 400 साल पुरानी है, आप कानून से उसे तोड़ सकते थे, कानून से उसे हटा सकते थे। जैसे एक सिविल कोड चल रहा है उस पे आप बांधे रखते, बात रखने के बाद सहमति करते, जो मुसलमान हिंदुस्तान के जो चार फिरके के बड़े बड़े मुस्लिम से उस पे डिसीजन लेते, फिर आप एक्शन लेते। लेकिन वहां ऐसा कुछ हुआ नहीं। लाल कृष्ण अडवाणी उमा भारती ने ऐलान किया, पूरे वर्ल्ड के लोग हिंदुस्तान के लोग वहां पहुंचे और तोड़ा। आपकी एक बात तो सही है कि आजादी के बाद एक चीज हुई थी कि जो भी स्ट्रक्चर, रिलीजियस स्ट्रक्चर जो होंगे वो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, उसको चेंज करने का ये नहीं था। ये बात यार, बाबरी मस्जिद टूटी वो गम नहीं, गम वो है किस तरीके से तोड़े। आपको ये पता है हिंदू निजम क्या कहता है, मदर ऑफ लैंड, इंग्लिश में यही बोलते हैं ना, भारत माता, भारत माता। हम क्या कहते, हम हमारे अल्लाह को देख नहीं पाते क्योंकि हमारा अकीदा मरने के बाद देखेंगे, लेकिन हम हमारे मस्जिद को अपनी जान से लगाते। आप मस्जिद को एक रिस्पेक्टफुली तोड़ सकते थे, लेकिन आपने जिस तरीके से वो हथौड़ा चलाया उस पे, जो ग्रेनेड फेंके आपने, वो ग्रेनेड आपने मस्जिद पे नहीं, हर वो मोमिन बच्चे बूढ़े के छाती पे तोड़ा, वो हथौड़ा हमारी छाती पे पड़ा, बराबर। तो उस टाइम पे जो कम दिमाग थे उन्होंने वो हरकत की मंदिर तोड़ने की, और जो कम दिमाग के मुस्लिम्स थे उस टाइम पे हरकत की दंगे की, उसमें मरा कौन, इंसान, इंसान, हिंदू मुसलमान आज तक बाप को खो दिया दंगे, उसके बाद बम ब्लास्ट, एक ब्लास्ट, इसका रिजल्ट आया क्या, हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए, बरोबर, हम हिंदू मुसलमान में बढ़ गए, बरोबर है ना, कोई मतलब ही नहीं है बात करके, ये राजनीति है। बट फिर वो जो ब्लास्ट उसके बाद हुआ था उसका तो पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दाऊद इब्राहिम पे ही थी, तो फिर आपने कैसे बोला कि वो बिजनेसमैन है। एक पिक्चर बनी थी ब्लैक फ्राइडे, आप देखा क्या, देखा है ना, एक रामजेठ मालवानी फोन किया, मैं दाऊद बोल रहा हूँ, उस ब्लास्ट में मेरा कोई केसेस नहीं, मेरा नाम मैं नहीं हूँ, फिर भी मेरे को घसीटा जा रहा है, हो सकता है दाऊद ने वो चीज की हो, बेसिकली वो टाइगर मेमन ने एग्जीक्यूट किया था। मेरे देश के अंदर जिसने भी बॉम्ब फोड़ा था मैं नफरत करता हूँ उससे, सीधी बात, चाहे वो मेरा बेटा क्यों ना हो, मेरा बाप क्यों ना हो, मैं खुद क्यों ना हो। मेरे नबी ने फरमाया कि जिस धरती पे पैदा हुए उसके कानून को फॉलो करो, तो मैं मेरे नबी की बात को नहीं काट सकता। अगर दाऊद ने ब्लास्ट करवाया तो मेरी नजर में इस देश का सबसे बड़ा गद्दार वो है, क्योंकि आज दाऊद की वजह से मुसलमान कौम को ये कहना पड़ता है कि दाऊद के चमचे, हर एक मुसलमान का है कि नहीं, तुम्हारा दाऊद, तुम्हारा दाऊद, दाऊद, तुम ये क्यों नहीं कहते हमारा अल्लाह, हमारा इंडियन मुसलमान है। अरे मैं प्राउड करता हूं, मेरा रिलीजन मुस्लिम है, मैं इंडियन मुस्लिम हूं यार, मेरे नाम के पहले रिलीजन आता है मुस्लिम, फिर इंडियन लिखा जाता है ना, एक बार हमको बॉर्डर पे खड़ा तो करो, एक बार हमको बॉर्डर पे खड़ा करो, चाइना हो या पाकिस्तान, एक घुसपैठिया हमारे जीते जी अगर अंदर घुस गया ना तो मुसलमान के नाम का कुत्ता पालना, क्योंकि मुस्लिम अपनी जान देना जानता है ना तो अपने देश की रक्षा करना भी जानता है। मुसलमान, मुसलमान देश में सबसे ज्यादा आजाद, दिल्ली गेट पे लिखा हुआ बैनर कहता है बॉस, मुसलमान को यार गद्दा, हमको सर्टिफिकेट देना पड़ता है, एक कदम पे एक सर्टिफिकेट, बोल जय श्री राम, सर्टिफिकेट हुआ ना यार, बोल गणपति बप्पा मोरिया, अरे बोलते हैं ना यार, एक बार बोलो मेरे हिंदू भाई, मैं बोलता हूँ ना जय श्री राम, मैं बोलता हूँ ना गणपति बप्पा मोरिया, मीनिंग्स मालूम है क्या गणपति बप्पा मोरिया की, आपको आपको मालूम है क्या, गणपति बप्पा मोरिया का मतलब होता है कि गणपति की जय, कौन बोला, तो आप बोले, गणपति बप्पा मोरिया का मतलब होता है एक भक्त और उसके बप्पा, यानी उसके देव के बीच की ये बात है। एक मोरिया नाम का भक्त था, उन्होंने गणपति बप्पा को मोरिया किया, आप रिसर्च कर लेना, बहुत किसी पढ़े लिखे धार्मिक पढ़े लिखे को लाओ सामने, बताएगा मैं, ऐसा नहीं, ऐसा ही खाली देखो मत, बराबर है ना, देखो ना, अकल लड़ो। बट आप बोलते हो कि मैं जय श्री राम बोल रहे हैं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट वहीं हमारे कुछ मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं जो बोलते हैं हम कभी नहीं बोलेंगे, तो क्या वो डिविजन नहीं क्रिएट करते, लाइक वारिस पठान है या और भी बहुत सारे लोग हैं।
एकदम राइट, एकदम राइट है उन लोग। मैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह, मैं तारीफ करता हूँ अल्लाह की और अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता। एक मुस्लिम रिलीजन, मुस्लिम रिलीजन अल्लाह के सिवा अपना खुदा किसी को बना नहीं सकता। तो वैसे एक हिंदू अपने भगवान के सिवा अल्लाह को अपना खुदा बना नहीं सकता, तो इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए। वारिस पठान भी राइट है, अशरुद्दीन अवैसी भी राइट है, क्योंकि ये कहते हैं, तीसरी कक्षा में बोलते थे, ठीक है ना, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुफलम सुफलम मलयत सीतलम मातरम, यानी कि हम किसको मातरम कर रहे हैं? हम सिर्फ, हम मुस्लिम सिर्फ अपने गॉड को मातरम कर सकते हैं। इस जमीन कौन है? जमीन तो हम को रहने के लिए मिला नहीं, लैंड, लैंड किसका है? आदम अलैहि सलाम का, मेरे अल्लाह ने 6 दिन में बनाया, तो हम इसको मातरम करेंगे? मातरम तो उसको करेंगे जिसने लैंड बनाई, इस पानी के ऊपर जमीन को खड़ा किया, हम उसको मातरम करेंगे ना, तो रॉन्ग है। लेकिन मैंने जो कहा कि अगर मेरा एक दोस्त हिंदू भाई, उनको ऐसा लगता है कि जय श्री राम से ये कतराता है, तो मैं सीधा बोल देता हूँ, भाई कतरा मत, तू मेरे को अस्सलाम वालेकुम बोलता है, मैं वालेकुम सलाम नहीं बोलता तेरे को, मैं वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू बोलता हूँ, क्योंकि कहता हूँ कि अल्लाह की सलामती हो तुझ पे, मैं तेरा सलाम लेके जाता हूँ, ऐसा नहीं कहता हूँ कि सलामती हो तुझ पे और तुझे अल्लाह ने एक हिदायत दे, इजा जाए अन्नसुरुल्लाह व फतह व रायतन्ना सैयद खुलूल फी दिनिल्लाह वारी व सब भी बेहम दिगर रब्बी का वस्तक लो इन्ने हुकार तो हुआ। जब हमारे 30 मक्का से निकाले गए थे और जब मक्का आए तो झुंड का झुंड आए और मक्का फतेह हुए, किसी का कत्ल नहीं हुआ, यानी वो हिंदुनिज्म थे, बुद्ध परस्त थे, ठीक है नहीं, बुद्ध की पूजा करते थे, मूर्ति की पूजा करते थे। क्या मुसलमानों ने काटा? क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मारा? नहीं, ईमान फैला। तो मैं यार जय श्री राम बोलता हूँ, मेरे दिल से ऐसा बोल देता हूँ, मेरा अज्जो वजल जानता है मेरे दिल को, मेरा अल्लाह जानता है, मैं शरीक नहीं करूंगा। दिल नहीं दुखेगा, और आप अगर किसी का दिल नहीं दुखाना आप बोलो तो इससे इंसान है। रिलीजन नहीं होगा तो किसी की जिंदगी में शायद इंसानियत नहीं होगी, मुझे लगता है। आप अल्लाह अकबर बोलते हो अपने अल्लाह को दिखाने के लिए बोलोगे यार, और आप अगर जय श्री राम बोलते हो तो अपने राम को दिखाने के लिए बोलोगे, इसका ये मतलब नहीं है। अल्लाह अकबर और जय श्री राम, ये जय श्री राम के नाम को मुद्दा बना के किसी की जान लोगे? रिलीजन तुम्हारे लिए बनाया गया, रिलीजन तुम्हारे लिए बनाया गया, तुम रिलीजन का रक्षा करेगा, तुम्हारा भगवान का तुम रक्षा करेगा, मेरा अल्लाह का मैं रक्षा करेगा। अरे छोटा सा ये, ऐसे कितने प्लांट, कितने ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मांड, हाँ, अल्लाह के पास जाने के लिए 500 साल का सफर तय करना पड़ता है, कितने ब्रह्मांड है, तुम सेवा करेगा, तुम उनका हिफाजत करेगा, कोई नहीं कर सकता, वो चाहेगा ना, वही का हार है। कुन फया कुन बोला, समुंदर आ जाएगा, कयामत आ जाएगा, बराबर है। तो ये सिर्फ मुद्दा है पॉलिटिकल का, ये बस कुछ हमारे में है, कुछ इनमें है, जो अंधभक्त कहा जाता है ना, सुम्मुम बुकमुन उम्यन पहुम ला यर जी उन, गूंगे बहरे अंधे सब है। यार एक चीज तो बहुत, मैं अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूंगा कि जो बाबा खान अब तक के पॉडकास्ट में या वीडियोस में दिखते थे, ये उससे बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल और वेल रेड है, जो कुरान की आयतों को भी पढ़ते हैं, जो गणपति बप्पा को भी समझते हैं, जो मंदिर मस्जिद की भी बात करते हैं। थोड़ा रूड है बंदा, थोड़ा एग्रेसिव है, बट बात तो सही करता है। इसी 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 के ऊपर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मैं कुछ अपने इंटेलेक्चुअल दोस्तों से बात करता हूँ, जब हमारी बात होती है बाबरी मस्जिद पे, तो मुझे हमेशा एक चीज लोग पूछते हैं कि क्या 80% हिंदुस्तान में 80% हिंदू है और 20% मुसलमान है, तो क्या 80% हिंदू की आस्था जिस जगह पे थी उस जगह, मतलब 80% हिंदुओं के जो सबसे बड़े भगवान का जन्म स्थान था उनका ऐसा मानना है, तो क्या 20% लोग अपना दिल बड़ा करके वो जगह नहीं दे पाए? देखिए एक चीज तो पहले बोलूंगा, श्री रघुपति राघव राजा राम की जन्मभूमि अयोध्या, इनके हिसाब से हमने भी नहीं जाना, हमको तो नहीं पता, हम थोड़ी ना टाइम पे पैदा हुए थे भाई। आपको एक चीज पता है क्या, रामायण लिखी किसने? आपको ये बात पता है क्या? वाल्मीकि। किसने? वाल्मीकि। यही रॉन्ग है, वाल्मीकि सर आए कब? राम, श्री राम भगवान के साथ
वाल्मीकि थे क्या आप बताओ? बाद में लिखी ना, वो साथ में कहाँ से होंगे भाई। उनके साथ जो लिखेगा, उनके साथ जो रहेगा वही लिखा जाएगा ना। अब जैसे प्रॉफेट मोहम्मद के टाइम पे मैं बता देता हूँ आपको, आप नहीं मालूम तो। अच्छा, रामायण को लिखा था हनुमंत, रामायण उसको लिखा था, रामायण पुस्तक को चाम के पेपर में, चमड़े की पुस्तक पे हनुमंत ने, और उन्होंने पेश किया था अपने श्री भगवान राम को कि अपनी छाती पहाड़ के जब दिखाया था कि ए प्रभु मैं ये पुस्तक आपको भेंट देना चाहता हूँ कि इसने सारी राम कथाएं लिखी, कि आपने क्या संघर्ष किया, आपने रावण का विनाश किया। तब रघुपति राघव राजा राम ने उस पुस्तक को उठाया और कहा कि ए हनुमंत इस पुस्तक को जल समाधि दे दो, ताकि भारत की बेटी मां सीता मैया को रावण ने बंधक बनाया था ये किसी को ना पता चले। मालूम, उसे जल समाधि दी गई हनुमंत रामायण के द्वारा, और फिर उसके बाद लिखा गया बेस्ट एक्सीलेंट। ये आप देखो, आप किताबों को सर्च करते हो तो वेद को पढ़ो, वैजुरियत वेद को पढ़ो, आपको शायद मिल जाए, क्योंकि वेद हजारों साल पुरानी की। तो आपका मानना है कि भगवान राम का जन्म, आपका सवाल यह था कि 20 करोड़ आपका सवाल मैं भूला नहीं, 20 करोड़ मुसलमान 80 करोड़ को मस्जिद क्यों नहीं दे दिए? मैं बोला कि अगर 80 करोड़ हिंदुओं की एक आस्था एक जगह पे है जहाँ पर उनका मानना है कि उनके सबसे बड़े भगवान राम का वहाँ जन्म हुआ है, yes, तो 20 करोड़ मुसलमानों ने अपना दिल बड़ा करके वो जगह क्यों नहीं दी? अगर दिल बड़ा नहीं होता, जस्ट डिस्कशन है, डिस्कशन में डिस्कशन जी। अगर दिल बड़ा नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट, इंडियन पेनल कोर्ट का जब फैसला आया कि भाई यहाँ राम मंदिर बनो, तो मुसलमानों भी उसमें ताउन किए, आपको मालूम, अब नाम तो लोगों ने क्यों ताउन किए, उनके फैसले से कोई अगेंस्ट है क्या? वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, फाइनल कोई अगेंस्ट है? मुसलमान तो अगेंस्ट होता ही नहीं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है, यही बोलते ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है ना, कि हमने उनको मंदिरें दे दी अच्छा बनने को, और हमने बिन अब्दुल्ला मस्जिद की तो आमिर भी शुरू कर दी। दूसरे का बात अव्वल तो मैं ये कहता हूँ कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मस्जिद में अल्लाह की इबादत ना हो उसे गारक कर दो, उसे तोड़ दो। बाबरी मस्जिद में कोई मुसलमान नमाज पढ़ता नहीं था, कोई नहीं पढ़ता था, पढ़ता था नरसिम्हा राव ने, कांग्रेस की सरकार ने नरसिम्हा राव ने उसके ताले तोड़वाए, बराबर ना, ताले तोड़वा के नरसिम्हा राव की बोटी तक कौए ने खींच खींच के खाया सब, मालूम है जब चिंता हो रही थी उसकी, देखे नहीं रहेंगे आप। नरसिम्हा राव ने क्यों ताले तोड़ा? जब वो बंद थी, कोर्ट का फैसला आता हिंदू के हाथ में दे देते, हम मान लेते हमारी जनरेशन, हमको कोई आपत्ति नहीं है वहां मंदिर बने या मस्जिद बने, अगर हमको आपत्ति होती तो दुबई में आज राम मंदिर नहीं होता, आज होता नहीं होता। तो मुसलमानों का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि काफी लोगों की जिंदगी बच जाती है, काफी इंसान बच जाते हैं भाई, बच जाते आज जाते तक मेरी बहन मेरे को राखी नहीं बांधना है कंचन, अगर सुनेगी आपके चैनल के माध्यम से। तो ये देश के अंदर एक राजनीति के चलते हिंदू मुसलमान के जो दलाल है दलवान, उनके चलते हमारे मीडियम और मिडिल फैमिलीज को बहुत बड़ा धक्का लगा, जो आज भी ये देश उसी के हाथ में चल रहा है, बहुत लोग डिवाइड हुए। मुझे बताइए, बैक टू मैं पॉइंट आऊंगा, तो दो दिनों में जब आप धारावी और डोंगरी के बीच में जब आप खेल रहे थे, लंगड़ी खेल रहे थे, जो भी खेल रहे थे, उन दिनों में आपकी मुलाकात होती थी गैंगस्टर से, कोई नॉन गैंगस्टर से, दाऊद छोटा शकील टाइगर मेमन, ऐसे कभी कोई मिला है अगर आप बताना चाहो? जो दरिया में तुम तैरने सोचते हो ना, वो दरिया के शार्क थे अपन। मैं नहीं, कोई दरिया नहीं तैरना। लोगों को जवाब अच्छा, दे रहा हूँ जो अच्छा, जवाब मुझे देते समझे। शार्क थे मतलब क्या है? शार्क थे मतलब शार्क मच्छी बहुत डेंजर होती है, पता है क्या? यानी बहुत बड़ी नहीं होती, अब बड़ी नहीं होती शार्क, बड़ी नहीं होती शार्क, यानी शार्क होती है, शार्क एक टन के अंदर होती है, लेकिन ऐसी होती है कि फाड़ के रख देती है, और वेल बहुत बड़ी रहती है लेकिन मंद बुद्धि रहती है। उस टाइम पे आप अपनी पैरेलल गैंग चला रहे थे, आप बोलना चाहते हो? हमारी गैंग क्या बोलेगा, तो अर्जुन पिक्चर देख लो, पेरू मामा थे हम। अच्छा, बस सीधी बात थे, सीधी सी बात है, हम पेरू मामा थे, हमसे कोई भिड़ा तो हम छोड़ते नहीं थे, हम शिवा थे, हमारे दोस्तों को कोई मारा तो हम रुकते नहीं थे, क्योंकि मेरे अल्लाह ने फरमाया है कि जुल्म करने वाले से घटिया जुल्म सहने वाला होता है, तो मैं मेरे दोस्तों में जुल्म क्यों सहूं?
अबे कोई भी अंडरवर्ल्ड का आदमी, हम कभी किसी को गिना नहीं। ऐसे कौन सी गैंग थी जिससे आपने पंगा लिया था? बहुत फेमस की, ऐसा कोई फेमस केस बताइए। अमरनाथ कंपनी से लिया, अमरनाथ कंपनी से लिया, राजन कंपनी से लिया, डी कंपनी से लिया, और क्या सुनने का? तो जेल की एक्सपीरियंसेस कुछ बताना चाहो। जेल में कैसा, ऐसा सुना है, ऐसा सुना सुना लगता है आदमी मेरे को वापस रिटर्न ऑफ द जेल पहुंचाने के चक्कर में है। क्या एक मालूम है, आप बोल रहे, तो मैं एक चीज मेरे यंगस्टर को कहना चाहूंगा कि एक यंगस्टर एक मेरी बात को सुन लेना। आपको एक ऐसा लगता है कि एक आईपीएस बनना बहुत टिपिकल है, अगर आप शार्प हो तो बन सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक भाई बनना आपको आसान लगता है। एक भाई बनने के लिए, गुंडा बनने के लिए, क्रिमिनल्स बनने के लिए, एक बहुत बड़ा भाई बनता ही बनने के लिए आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है? नहीं, भाई बनने के लिए मुंह का निवाला देना पड़ता है, बॉडी का कपड़ा देना पड़ता है। किसको? शूटरों को। अच्छा, तभी भाई बनता है ना वो। ये तो मालूम पड़ा कि शूटर से मर्डर करवाया, ने भाई ने कुछ दिया नहीं तो शूटर फिर भाई को ही सुला दिया। कहानी है ना जेल की बहुत सी। भाई देखो, सुबह 6 बजे की जब बंदी खुलती है तो जब जोड़ी जोड़ी में बैठोगे ना तब समझ में आएगा, और जब 3 रोटी 1 कटोरी चावल और जब पत्थर के सनम की दाल खाओगे बराबर तब समझ में आएगा बराबर ना। 6 बजे की बंदी लोगे, रात में चद्दर ओढ़ के सोओगे ना तब समझ में आएगा कि 200 के भरक के टोटल में 300 लोग को कैसा ठूंसा जाता है, 1 करवट में सोया कैसा जाता है, और 4 बाथरूम में 200 जन जब लाइन लगा के खड़े रहेंगे ना तब पेट का दर्द और दिमाग का गुस्सा समझ में आएगा, और लोटा लेके जब 1 नल पानी फेंकता है और ड्रम नीचे रहता है ऐसा लोटा लेके खड़े रह के जब नहाओगे पानी चला जाएगा तो साबुन से चिल्लाओगे तो पूरे बॉडी में एक हमारा लैंग्वेज में बोलता है सड़नपन, तो पूरी लैंग्वेज में ऐसा वो दूसरा बोलेगा नहीं हमारा बहन इधर, तो फिर बेबी लोशन घसते रहोगे ना तब समझ में आएगा कि हम कहां पे बैठा। जेल दुश्मनों को भी अल्लाह सुब्हान व तआला ना दिखाए। और अव्वल तो भाई हम मुसलमान यूसुफ अलैहि सलाम से वैसे तो आपने सबको ही दिया है। नहीं, मैं भी दे देता हूँ ना, मुसलमान यूसुफ अलैहि सलाम की सुन्नत पर अमल करता है अगर हक पर हो। अगर मैं हक पर हूँ और मैं गुनहगार नहीं हूँ, आप मुझे जेल में डालते हो तो मैं सीधा बोलूंगा मैं सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ। 60 साल की जिंदगी है यार, माने 9 महीना पेट में नहीं रखा बाहर दे दिया दुनिया में, मेरा अल्लाह ने निकाला, आप कितना साल रखोगे, लाइफ रखोगे? मैं जिस दिन मरूंगा, मैं मर के तो बाहर आऊंगा ना, मेरा जनाजा तो बाहर ही होगा ना, अंदर नहीं होगा ना, तो कोई फर्क नहीं गिरता। आज भी जेल में ऐसे लोग हैं कि वो छोटा से उनको जमानत के 20-25 हजार रुपया नहीं है उनके पास, वो जिंदगी भर जेल ही काट रहे। तो क्या लोगों में इतनी ये नहीं थी कि वो उनके लिए कुछ कर सके? इतने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स हैं मुस्लिम्स में, फिर भी ऐसे बहुत सारे आप केसेस देखोगे जो बाहर आ सकते थे बट उनके पास जमानत के लिए पैसे नहीं है। तो मैं बताओ, आप इस देश के जज को क्या समझते हैं? आप इस देश के कानून को समझा ही नहीं। आपने कहा ना 25,000 नहीं तो जेल के अंदर ही सड़ रहा, 25,000 नहीं तो 6 महीना सड़ेगा, लेकिन जब जज के पास जाएगा एक पियर बॉन्ड का एक अर्जी लगाएगा कि सर मैं 6 मंथ से खड़ा हूं और मेरा लोअर कोर्ट का केस है, यानी 6 महीने की सजा, या तो उसे डिस्चार्ज करता है या तो पियर बॉन्ड पे छोड़ देता है। पियर बॉन्ड एक नथानी जज था, उसके ऐसा जज मैंने कभी देखा नहीं कि आरोपी अगर 1 साल से 5,000 की जामिन उसको भरने के लिए नहीं है तो अपने जेब से पैसा भर दिया करता। अच्छा, बराबर। तो जो लोग 25,000 रुपए के लिए भी बाहर नहीं निकलते तो उनके केसेस कैसे होते? कभी कभी एक एमसीओसी कोर्ट, एमसीओका महाराष्ट्र क्राइम ऑर्गेनाइज एक्टिवेट, बराबर, उसके केसेस में भी आपको है ना चार्जशीट के बेस पे 90 डेज का प्रोसीजर हुआ, 161 का चार्जशीट गिरा नहीं गिरा, आपको 10,000 की बिल दे देता है जज, डिपेंड है। और 10,000 आपके पास भरने के लिए नहीं है तो आप तो संगीन जुर्म में अंदर हो ना, आप पोटा टाडा के केस में अंदर हो, 1997 में पोटा तोड़ के एनसीओसी एक्ट लाया गया, तो छोटा केस नहीं है तो आपको जज छोड़ेगा नहीं, आप जामीन भरो और जाओ, बराबर, जामीन मिलती, लेकिन केस पे आधारित है कि आपका केस क्या है।
क्योंकि देखिए ना, इस्लाम की या मुसलमान की सब बात करते हैं, लेकिन हेल्प करने की बात आती है तो कोई आगे नहीं आता है। क्या बात छीनी यार आपको, मैं एक बात बताता हूँ। बकरा ईद के अंदर एक गोश्त के टुकड़े के लिए तड़पाया मैं, मजा क्या लावा। ये दो महीने वाली तो कहानी नहीं है, वो पुरानी नहीं रिपीट करूंगा यार, अपना आदत ही नहीं है रिपीट। हाँ बताइए प्लीज। चलो ठीक है, बकरीद में बकरीद के गोश्त के लिए भी हमने तड़पाया तड़। और जब अल्लाह ने दिया है तो लोगों के घर पे किलो किलो के हिसाब से गोश्त भेजा, और अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि मेरे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहाओ की सुन्नत को पकड़ो, जो मेरे नबी ने फरमाया था जब बिलाल रजी अल्लाह ताला अनहाओ पे जलता पत्थर रखा था तो गुलाम को आजाद करके बेहतर से बेहतर आलिम मुअल्लिम मेरे नबी का ऊंटनी कसवा की लगाम पकड़ के जन्नत पे पहला कदम रखेंगे। बिलाल रजी अल्लाह ताला अनहाओ एक गुलाम, उनको कौन आजाद कराए? मेरे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहाओ। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अनहाओ के कॉल पे अमल करने वाला मुसलमान मर गया भाई। मैं आज बताता हूँ ना, आज मैं जब भीड़ में था तो मुझे ऐसा लगता था सारी दुनिया मेरे साथ है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन जब मैं भीड़ से अलग हुआ ना तो मुझे पता चला सिर्फ मेरे साथ मेरा अल्लाह है। मैं तो तनहा इस दुनिया में मुझे आया, मैं जब आया अकेले हूं तो जाऊंगा भी अकेले। आप समझ रहे, मुनाफिक और मुस्लिम में फर्क होता है। आप मुझे मुनाफिक समझ लो, मैंने चेन पहना है, ये तो मैंने साफ बना लिया। तो मुसलमान सूरह निसा को भुला चुका है, जो अल्लाह सुभान व तआला फरमाता है कि गरीबों की आवाज सुनो, और गरीब जब आवाज उठाते हैं कि ऐ अल्लाह तू हमारी मदद के लिए रहनुमा नाजिल कर, और 1465 साल पुराने रहनुमा और आज के रहनुमा में फर्क है। मैं मर्सिडीज में जा रहा हूं तो गरीब की तरफ नहीं देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं, उनके पास ही मर्सिडीज है, मेरे पास मर्सिडीज है भाई। मैं बहुत मेहनत से लिया, मैं साफ बोलता हूँ ना भाई, बहुत मेहनत से लिया। लोगों का कहना मैं भीख मांग के लिया, तुम्हारी नजर में मैं भिखारी हूँ, मैं अल्लाह से भीख मांगता। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं, सब बोलते हैं भाई मैं भीख मांग के लिया मर्सिडीज, तो मैं अल्लाह से भिखारी हूँ ना। मांग के तो मर्सिडीज मिलती नहीं है, अब उनको भी मांग मिल जाओगे तो अच्छी बात है ना, वो भी मांग ले भीख और मर्सिडीज ले आए। ये तो भाई अल्लाह से भीख मांगा कि अल्लाह सेंट्रो भी चलाया, जेन भी चलाया, मर्सिडीज भी चलाया, क्या तुम मुझसे नाराज है जो मुझे इतनी बेहतर गाड़ी में घुमा रहे? तो माइंड चेंज हो गया, मैं कैंसर के पीड़ित का इलाज कर रहा हूँ, और एक बोलना नहीं चाहता था। देखो ये नेकी लोग पूछते हैं कि आज तक तूने किया क्या है, ये किया क्या है राइट, मैं बोल के मेरी नेकी खराब नहीं करूंगा, लेकिन भाई मैंने जो नहीं किया है ना और जो किया है ना, इंशाअल्लाह हश्र के मैदान में मेरा अल्लाह दिखाएगा कि ये बंदे ने क्या किया। बस इतना तुम्हारे लिए कहूंगा कि अपने आधी जिंदगी की कमाई है ना मेरे रब के लिए कर्जे हसनतों कर दिया, और मुझे अल्लाह दे या ना दे लेकिन आखिरत में जरूर देगा इंशाअल्लाह। क्या बात है, आपकी जो एक एक्स लाइफ थी जो आप ने गैंगस्टर्स और उन लोगों के साथ गुजारी, उसमें और आज में कितना डिफरेंस है? जब मैं मतलब मेरा पूछने का मुद्दा यह सवाल का कि धारावी डोंगरी और मुंगरा में इन दो लाइफ में क्या डिफरेंस है? आज आपको क्या डिफरेंस लग रहा है? डिफरेंस जब मैं घर में आता हूँ तो मेरे बच्चों को एक देख करके सुकून की नींद सोता हूँ, क्योंकि मैं मेरे बच्चों और मेरे परिवार के साथ हूँ बराबर, और मेरे अच्छे दोस्तों के साथ हूँ। धारावी में भी मेरे अच्छे दोस्त है जो फैमिली चला रहे। जमाना खराब नहीं होता, हम अगर खराब है तो जमाना हमसे खराब होता है, याद रखना, यही कहानी है, दस्तूर है। मेरी जो वो लाइफ थी, उन लाइफ को छोड़ के मुझे एक बहुत बड़े ऑफिसर्स जिनका नाम मिस्टर राकेश मारिया, उनके साथ एक बार कोर्ट एक ही बार मिला था, बात हुई तो उन्होंने बोला कि नदीम जिंदगी बहुत अहमियत लेती है और बहुत अच्छी होती है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट राकेश मारिया अब बहुत ग्रेट इट यार, ग्रेट ग्रेट ऑफिसर, वाकई में ग्रेट ऑफिसर। मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं कि राकेश मारिया को कि यहूद चाल चलता है यहूद, मैं तुमको कहता हूं कि राकेश मारिया जैसा ऑफिसर वापस मुंबई में चाहिए, क्योंकि इंटेलिजेंट यार, वेरी इंटेलिजेंट, बहुत जबरदस्त। तो फिर उन्होंने क्या समझा आपको? बोले जिंदगी 60 साल की या 70 साल की, तेरा नबी खुद फरमाता है, तो इंसानियत का कत्ल करके या इंसान दुनिया के अंदर फसाद फैला के क्या फायदा,
अपनी जिंदगी अपने बच्चों के साथ जियो, बस उस बात को दिमाग में रख के और कुरान को समझे तो ये लाइफ बहुत अच्छी है। मुमरा इज द बेस्ट। मैं अभी रह रहा हूँ। मुमरा ही क्यों चुना आपने? मुमरा इसके लिए चुना भाई, मैं यहाँ पे जब आया ना तो एक आधा घंटा अजान की आवाज आती है, आधा घंटा, और मुझे एक ऐसा लगा कि आधा घंटा यानी 30 मिनट्स अजान की जब आवाज आ रही है तो यहीं पे रहना चाहिए, क्योंकि हर एक धर्म को जो मानता है बराबर है ना, तो उसको पसंद अपने लोगों के बीच में ज्यादा सिक्योर है। नहीं नहीं ऐसा नहीं भाई, अपने लोग हमारे मुमरा के अंदर हिंदू लोग भी सब सिक्योर है। सबसे बड़ी बात, हम हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुओं के बीच में सिर्फ 20 करोड़, 125 करोड़ हिंदुओं के बीच में 25 करोड़ मुसलमान, हम तो अनसिक्योर मानते ही नहीं। उल्टा तुम बोलते हो कि हम इनसिक्योर है, हम इनसिक्योर है। हमको तो शर्म आती है तुम्हारे मुंह से ये जुमले सुनते हुए कि 25 करोड़ मुसलमान से तुम इतना दहशत क्यों खाते हो, 125 करोड़। हम तो ये मानते हैं, हमको तो लगता है हिंदू हमारे भाई है यार, हमारी मदद के लिए खड़े होते हैं। और मेरे तो मदद के लिए हिंदू लोग ही खड़े हुए ज्यादातर क्योंकि वो लोग बोलते हैं जो खुद इनसिक्योर है और डिविजन डालना चाहते दो लोगों के बीच में। शायद मैं आपकी ये बात को करेक्ट करना था, क्योंकि आपकी बातों से ऐसा लग रहा था कि आप टारगेट कर रहे हो 80% मेजोरिटीज को, लेकिन आपका आपकी बात का मतलब मैं 80% लोगों को कभी टारगेट कर नहीं सकता। अगर 80 या अंग्रेजों के साथ जो डिवाइड करना चाह रहे, अंग्रेज तब जेल छोड़े 1947 आज के अंग्रेज, आज अंग्रेज डिविजन पॉलिटिक्स, आज अंग्रेज नहीं, ये अंग्रेज के गुलाम है जो साले सड़ी हुई राजनीति पर चलते। अच्छा, उन्होंने हिंदू मुसलमान की राजनीति करी क्योंकि अंग्रेजों ने बोल के गया 1947 के अंदर, इनको लड़ा दो आपस में, जब ये आपस में लड़के मरना चालू हो जाए तब ब्रिटिश राज हम फिर लाएंगे हिंदुस्तान में। ला रहे कि नहीं ला रहे? एयरपोर्ट भी गया, एयरपोर्ट नहीं भी गया, एयरपोर्ट सम पार्ट प्राइवेटाइजेशन। आप छोटी चीटिंग कर लो 1 करोड़ की, आप 4 साल जेल काटोगे, 7 साल, 7 साल ने। विजय माल्या 1000 करोड़ की चीटिंग करके गया, अभी तक लंदन से लेके नहीं आ पाए। साहब छूटा है तुम्हें, विजय माल्या लंदन में, नीरव मोदी पिक्चर भी बन गए उसमें, किधर है? हमारे पैसा चोरी करके तुम किंगफिशर उड़ाया, बरबर कोई किंगफिशर उड़ाया, कोई गटर के कोने में किंगफिशर लगाया, आज दिल्ली विजय माल्या तो एब्रोड में, कहीं ना कहीं तुम्हारे अकाउंट में भी तो आया होगा। लेकिन हम छोटी मोटी चीटिंग कर दे तो हम अंदर है, तो कानून संविधान की हत्या हो रही है, ऐसे पॉलिटिशियन को समझना चाहिए। कौन है वो पॉलिटिशियन, नाम लेकर नहीं बताना चाहोगे? किसका नाम लू, नाम क्या करूं, किसका लू बताऊ? पॉलिटिक्स का मतलब ये चीट है नहीं, आप सारे भाई बैठे। पॉलिटिक्स का मतलब क्या है? कुछ अच्छे पॉलिटिशियंस भी। अरे मैं क्या बोल रहा, पॉलिटिक्स का मतलब क्या? चीट। तो फिर सब चीट है, बात खत्म हो गई ना बॉस। आपका कोई फेवरेट पॉलिटिशियन है? मेरा है, एक है, एक है, लेकिन गुस्सा भी उस पे ही है और मोहब्बत भी उस पे, नरेंद्र मोदी। क्या बात कर रहे हो, बहुत गुस्सा करता हूँ लेकिन फेवरेट भी वही है बॉस। क्यों फेवरेट है? फेवरेट इसके लिए कि पूरे गुजरात को उसने वेस्ट ऑफ द वेस्ट स्टेट बनाया, बराबर। अगर वो सही ढंग से काम करता तो मुझे ऐसा लगता है 97 में जो मार्गदर्शन अटल बिहारी वाजपेयी ने पूरे हिंदुस्तान में किया मार्गदर्शन का, तो अगर नरेंद्र मोदी जी अगर उस पे ये करता, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो हिंदुस्तान को पलट देता, हिंदुस्तान को बहुत अच्छा बना देता। बट गुजरात, जो आप गुजरात की बात करते हो, तो उस गुजरात पे गोधरा नाम का एक दाग भी है। अरे मैं आपको यही बताने जा रहा था ना। अच्छा, वही बता रहा। एक अच्छा पॉलिटिशियन मेरे को लगा तो नरेंद्र मोदी, जो गुजरात जलने के बाद में उसको बनाते, बराबर, उसे कहते हैं अच्छा। सुबह का भूला शाम को घर पे वापस आया, भूला मतलब हैदराबाद जल गई। आज भी मुसलमान है या नहीं है वहां पर, है क्या नहीं है? है। अगर जब नरेंद्र मोदी को पूरा गुजरात जलाना होता तो पूरे मुसलमानों को जला डालता। बट मैजिकल बात ये है कि अगर आप देखोगे ना, 16 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, yes. जो मुस्लिम मेजोरिटी, 16 तालुका बोलोगे आप, एमएलए प्लेस को तालुका बोलते हैं हम, उसमें से 12 में जो है वो मुस्लिम मेजोरिटी में बीजेपी के एमएलए आते हैं। झुंझा